असलम के स्टूडेंट्स, MGT201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का GDB है। स्प्रिंग 2024 का पॉइंट नंबर का ये GDB है। 10 मई इसकी लास्ट डेट है और टॉपिक इसमें है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है टॉपिक हैंडआउट में। अच्छा, सिनेरियो ये है कि मिस्टर अहमद हैज़ जस्ट एंटर्ड इन हिज प्रोफेशनल कैरियर एंड गॉट अ जॉब ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन ए फर्म। He has planned to invest a portion of his salary in a way that he can spare maximum rupees 40,000 each year. For his spared amount, falling to investment options are available. अब वो कह रहे हैं कि मिस्टर अहमद को एक प्रोफेशनल कैरियर में एक जॉब मिली है फाइनेंशियल मैनेजर की एक फर्म में। और वो प्लान कर रहे हैं कि अपनी जो उनकी तनख्वाह से जो बचत होती है ना, सालाना बचत, उन्हें साल का वो 40,000 रुपये अपनी सैलरी से बचाते हैं, तो वो इसको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो वो उनके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। एक तो ये है पे रुपीज़ 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स एट 12 पर मंथ, यानी कि 10 साल तक 40,000 रुपये साल के है शुरू में वो जमा कराएं या पे करें एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो पे करें 40,000 रुपये एट दी एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड पे करें 10 साल तक फॉर 10 ईयर 12% पर एनम के हिसाब से। तो रिक्वायर्ड जो है वो ये है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ ऑप्शन। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ ऑप्शन कैलकुलेट करनी है, और दूसरा विच ऑप्शन विल बी सूटेबल फॉर मिस्टर अहमद एंड वाई, और कौन सा जो ऑप्शन जो है मिस्टर अहमद के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा और वो क्यों होगा। अब देखिए, मैं जो अपनी इनसाइट के हिसाब से आपको बताऊं कि 40,000 रुपये साल के शुरू में जमा कराने हैं और 40 चाहे एंड में कराओ करवाने, तो वो 10 साल के अरसे के लिए है ना, तो उस पर 12% पर एनम आएगा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है। ठीक है, चाहे शुरू में जमा करा के 10 साल पूरे करो या साल के एंड में जमा करा के इस तरह 10 साल पूरे करो, तो वो अमाउंट तो एक जैसी सेम होगी कैलकुलेट। अच्छा, अब मैं आपको हैंडआउट से ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखें हैंडआउट में ये दो मेथड है एनुटी के, टू टाइप्स ऑफ एनुटीज हैं। एक ऑर्डिनरी एनुटी है। ऑर्डिनरी एनुटी आल्सो नोन एज डेफर्ड एनुटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, और एनुटी ड्यू जो है वो क्या है, एन एनुटी ड्यू कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है जी, ये उसी तरह उसको अगर शुरू में जमा कराते हैं तो वो होगी बिगनिंग एनुटी ड्यू होगी, अगर वो साल के एंड में जमा कराते हैं तो एनुटी ऑर्डिनरी एनुटी होगी। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इनके फार्मूलाज की, तो चैट जीपीटी पे जो इनके फार्मूला हैं, ऑर्डिनरी एनुटी का ये फार्मूला है और एनुटी ड्यू का फार्मूला ये है। ठीक है, और हैंडआउट में हमारे भी एनुटी का फार्मूला दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी एनुटी का फार्मूला दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है, ये एनुटी का फार्मूला दिया हुआ है। तो अच्छा चलें, वो अब आपने हम जो चैट जीपीटी वाला पहले फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला पहले ऑप्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन में ये फार्मूला लगाएंगे बिगनिंग ऑफ 10 ईयर के में एनुटी ड्यू में, तो इससे जो इस तरह से वैल्यू आ रही है वो आ रही है 786,240, और ऑप्शन टू से जो वैल्यू आएगी ऑर्डिनरी की वो 7,02,000 है। ये चैट जीपीटी के फार्मूला है। मैं आप बताऊँ, मैं खुद इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो दोनों में एक ही रिज़ल्ट आना चाहिए। अच्छा, एक और मैंने ये एक्सेल पे ना ये शीट बनाई है कि इसे यहाँ पे साल लिख दिए कि किस्तें थी ये 40,000 पर ईयर, तो इसका 12% के हिसाब से बनाते हुए तो इस तरह से बनाया। तो अब देखेंगे ये जो पहले एनुटी ड्यू का है, ये यानी कि जो पहले जमा कराते हैं, तो उसमें इस तरह टोटल 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट सब पे लगाते हुए इस तरह से फाइंड करते हुए
जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 786 तो बनता है, लेकिन उसमें वो 10 शुरू में भी लगा दिए उसका फर्स्ट ईयर का भी और लास्ट के एंड पे भी, तो 10 दफ़ा उसका इंटरेस्ट लगा के ये बना है। तो और दूसरा जो ये है ऑर्डनरी वाला है, इसमें अगर वो मैंने इसका भी 9 दफ़ा उसका इंटरेस्ट लगाया है, 10वीं दफ़ा उसका जो है इसके एंड में आ जाता है यहाँ पे 10वीं किस्त के साथ, तो 7-2 बनता है। तो आप इसी जो ले लें यही जो आंसर, इसको कॉपी कर लें अपना, उसमें पेस्ट कर दें। तो है तो दोनों में डिफरेंस, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो आंसर जो आपने उसमें लिखना है, ऑप्शन वन वुड बी मोर सूटेबल फॉर मिस्टर अहमद बिकॉज ही वुड एक्यूमुलेट मोर वेल्थ एज कम्पेयर टू ऑप्शन टू। ठीक है, ये इसका जो आंसर लिखना है ये वाले आपका, विच ऑप्शन विल बी सूटेबल फॉर मिस्टर अहमद एंड वाई। ठीक है, ये आपके लिए सोल्यूशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।